तीन बजे इलेक्शन कमीशन का जो प्रेस मीट था वो सुना और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा कि फेज वन में त्रिपुरा वेस्ट त्रिपुरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होगा। इसका जो नोटिफिकेशन है वो 20 मार्च को होगा और 19 अप्रैल को इलेक्शन कंडक्ट होगा। लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ ही सात रामनगर बाईपोल इलेक्शन भी किया जाएगा। मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमारे वन वेस्ट त्रिपुरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 30 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के सभी में इलेक्शन एक साथ होगा। इसमें लगभग 14,61,000 वोटर्स अपने वोट का यूज करेंगे जो लगभग 1685 पोलिंग स्टेशन में दिया जाएगा। इस दौरान हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 35,000 से 40,000 पोलिंग पर्सनल इस इलेक्शन को कंडक्ट कराने में हमारा साथ देंगे और इन इलेक्शन के दौरान लगभग 8,000 पीडब्ल्यूडी वोटर्स और लगभग 5,920 सर्विस वोटर्स भी रहेंगे। ये मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहता हूं कि लगभग 15 से 20% पीडब्ल्यूडी वोटर्स की ज्यादा एनरोलमेंट हुई है जो पिछले असेंबली इलेक्शन के बाद एक्टिवली हमने पार्टिसिपेट किया है और इन सभी 1658 पोलिंग स्टेशंस पे मिनिमम जो फैसिलिटीज हैं चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो टॉयलेट हो शेड हो और जो भी सुविधाएं हैं वो जो श्योर मिनिमम फैसिलिटीज हैं वो दी जाएंगी। इसके साथ साथ हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एटलीस्ट एक या दो पोलिंग स्टेशन को मॉडल पोलिंग स्टेशन किया जाएगा जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि किसी थीम बेस पे ये पोलिंग स्टेशन को डेकोरेशन और फैसिलिटीज दी जाएंगी और हरेक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एटलीस्ट 1 to 2 वुमेन बेस्ड पोलिंग स्टेशन होंगे, यंग मैन बेस्ड पोलिंग स्टेशन होंगे और उम्मीद करते हैं कि काफी जगहों पे पीडब्ल्यूडी मैन पोलिंग स्टेशन भी होंगे। हम अपने वोटर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस इलेक्शन में हर बार की तरह ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन करेंगे। पर्टिकुलरली हमारी उम्मीदें जो लोग शहरों में रहते हैं जो यंग वोटर्स हैं उनसे हैं कि वो इस बार और ज्यादा वोट अपने विनिंग कैंडिडेट के लिए देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस एक्सटर्नल जो एजेंसीज हैं जैसे इनकम टैक्स है और इन सभी एजेंसीज के साथ हमें अच्छा सहयोग मिलेगा और लोगों के सहयोग के साथ पॉलिटिकल पार्टीज के सहयोग के साथ हमें एक निष्पक्ष और बहुत शांतिपूर्ण चुनाव करने में सफल होंगे। इसमें मैं आप सभी मीडिया कर्मियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ चीजों में आप अगर हमारी सहायता करें तो हमारे लिए भी बहुत सहयोग की बात होगी। जैसे कोई मिस इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास आती है तो हमारे एआरओ से या मेरे से आप लोग उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं और हम भी आपके माध्यम से ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो इलेक्शन के प्रोसीजर्स को डिस्टर्ब कर सकती है इसे शेयर करेंगे और आपके और हमारे बीच में एक कंटिन्यूस इंट्रैक्शन बना रहेगा ताकि लोग इलेक्शन वाले दिन बिना किसी भय के ज्यादा से ज्यादा वोट दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपका सहयोग हमें मिलता रहा इसी तरह से मिलता रहेगा और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। रामनगर का नोटिफिकेशन कब होगा? मोस्ट प्रोबेबली तो 20 तारीख को ही हो जाना चाहिए। अभी उसका सेम डे ही होगा, कंफर्म नहीं है। 20 तारीख को लोकसभा तो कंफर्म है बट मुझे लगता है कि कंफर्म है। हाँ 20 तारीख को, 20 मार्च को 19 को इलेक्शन। हाँ सर, ये जो बाईपोल होने वाला है रामनगर में एंड एट द सेम डे ओनली द लोकसभा इलेक्शन आर गोइंग टू बी हेल्ड, हाउ यू पीपल आर गोइंग टू डिवाइड द बूथ्स एंड हाउ आर गोइंग टू कंडक्ट दैट बाईपोल एंड लोकसभा जो दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी? सेम पोलिंग स्टेशन पे होंगे दोनों इलेक्शन, साइमल्टेनियसली होंगे। लगभग एक्स्ट्रा पोलिंग पर्सनल रहेंगे जो भी इसको करते हैं और कुछ प्रिकॉशंस हैं जो साइमल्टेनियसली पोलिंग के साथ ली जा रही है वो हम लेते रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और ऐसी कोई बहुत चैलेंज की बात नहीं, क्योंकि और चार और स्टेट हैं जहां पे साइमल्टेनियसली ही पोलिंग होगा, तो देयर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सर बाहर से कितना फोर्स आ रहा है और कौन कौन फोर्स आएंगे? अभी जो हमें हमारे पास अभी अवेलेबल शायद 12 कंपनीज हैं, 14 कंपनीज हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे डबल लगभग और कंपनीज हमें मिलेंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसमें 30 कंपनीज वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के लिए मिलेंगी।